सिटी अस्पताल में कोरोना संक्रमित मरीजों को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने और बड़ी तादाद में मरीजों की मौत की शिकायतें अब सामने आ रही हैं। लेकिन कई परिवार आर्थिक स्थिति के हालात के बेहद तंगी के दौर से भी गुजर रहे हैं। ऐसे में मामले अदालत तक नहीं ले जा पा रहे हैं। इस वजह से जबलपुर के युवा अधिवक्ताओं ने निर्णय लिया है कि वे उन मरीजों के परिजन का केस निःशुल्क लड़ेंगे ताकि जिनका निधन हुआ है उनको इंसाफ मिल सके। पीड़ित परिजनों ने अपील की है कि वह युवा अधिवक्ताओं के संपर्क में रहें और मामले को अदालत तक जरूर पहुंचाएं। हॉस्पिटल प्रशासन जैसे सिटी हॉस्पिटल एवं अन्य हॉस्पिटलों के द्वारा नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पेशेंट्स को नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा दिए गए, जिनके कारण कोविड जैसे जघन्य समय में उनके परिजनों की मृत्यु हो गई। अच्छा, इस मृत्यु के कारण ये जो परिवार हैं काफ़ी ज़्यादा अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं, और जिन भी लोगों ने इन रेमडेसिविर नकली इंजेक्शनों की कालाबाजारी करके इस कोविड के टाइम में परिजनों की मृत्यु हुई है, जिन भी परिवारों को, उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग निःशुल्क न्याय व्यवस्था करेंगे। और अगर ऐसे परिवार हमसे संपर्क में आते हैं तो हम इन्हें निःशुल्क न्याय उचित जो भी होगा हाई कोर्ट के माध्यम से या संबंधित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के माध्यम से इन्हें उचित न्याय उपलब्ध कराएंगे।